एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जल्दी से, वो क्योंकि अपडेट्स आने शुरू हो चुके हैं। तुषार मेहता की तरफ से, सरकार की तरफ से दलील ली गई है कि चार बार समन जारी किए गए थे राजीव कुमार को। डीजीपी को भी बताया गया था राजीव कुमार तुरंत सरेंडर करें ताकि सबूत नष्ट ना हो सके। ये सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई की बेंच में सुनवाई शुरू। सीबीआई ने मामले को मेंशन करना चाहा तो सीजीआई की तरफ से कहा गया, तमाम अपडेट्स हम आपको बता रहे हैं, तुषार मेहता की तरफ से ये कहा गया है कि चार बार समन जारी किए गए थे राजीव कुमार को। सीबीआई की तरफ से मेंशन करने की कोशिश की गई तो सीजीआई की तरफ से कहा गया पहले दूसरे मामले को मेंशन करें, वो लीगल एंगल्स है, पहले दूसरे मामले मेंशन होंगे। सीबीआई ने मामले को मेंशन करना चाहा लेकिन हालांकि तुषार मेहता की तरफ से कहा गया कि चार बार समन जारी किए गए थे राजीव कुमार को। डीजीपी को बताया गया था राजीव कुमार तुरंत सरेंडर करें ताकि सबूत नष्ट ना हो। जी मीडिया संवाददाता राजू राज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, क्या हुआ कोर्ट में, क्या कुछ कहा गया? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई शुरू हो गई है। तुषार मेहता जो सीबीआई की तरफ से अपनी बात रख रहे हैं, उनका ये कहना है कि जो बंगाल के जो कमिश्नर थे राजीव कुमार को चार बार समन भेजा गया था, उसके बावजूद वो शामिल नहीं हुए, पूछताछ में शामिल नहीं हुए। लिहाजा कल सीबीआई की टीम पूछताछ के लिए गई थी और जिस तरीके से सीबीआई की टीम को डिटेन किया गया वहां के लोकल पुलिस के द्वारा, तो कहीं ना कहीं सीबीआई को इस पूरे मामले की जांच, सादा चिटफंड की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ही आदेश दिया था। उसके आदेश पर सीबीआई की टीम जांच करने गई थी। राजीव कुमार को चार बार समन भी भेजा गया, उसके बावजूद भी वो जांच में शामिल नहीं हुए, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मसले को लेकर तुषार मेहता अपनी सारी बातें से कोर्ट में बता रहे हैं क्योंकि सीबीआई की टीम एक सेंट्रल एजेंसी है और पूरे मामले की जांच करने गई थी और उन्हें इस तरीके से अगर रोका गया तो कहीं ना कहीं पूरा जांच प्रभावित होगा। जल्द से जल्द राजीव कुमार को सरेंडर करने के लिए किया जाए ताकि जांच को आगे बढ़ाया जाए, ताकि सबूत को नष्ट ना किया जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन इस पूरे मसले को लेकर जिस तरीके से सियासत हो रही है वो एक गंभीर समस्या है, क्योंकि सीबीआई की टीम जब जांच करने के लिए पहुंची और उनके साथ जिस तरीके से सलूक किए गए, ये एक महत्वपूर्ण बात है जिसको आज कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में रखा जा रहा है। लेकिन एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, अब कल सुनवाई होगी। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है सुप्रीम कोर्ट में, अब कल सुनवाई होगी, तफसील से इस मामले को सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की अर्जी अब सुनी और अब कल सुनवाई होगी इस पूरे मामले की। सुनवाई को अब फिलहाल टाल दिया गया है। राजू राज, क्या अपडेट? देखिए, इस पूरे मामले में सुनवाई कल के लिए टाल दिया गया है और दो अर्जी लगाई थी, एक कोर्ट का मानना के लिए और दूसरा जो अधिकारी वहां पर जांच कर रहे उनके साथ जिस तरीके से बिहेव किया गया, तो कहीं कहीं दोनों मामलों को लेकर अब तफ्तील से कल सुना जाएगा और कल के लिए पूरे मामले को टाल दिया गया है। तुषार मेहता ने अपनी बात कोर्ट के सामने रखी कि राजीव कुमार को तुरंत सरेंडर करना चाहिए क्योंकि सबूत नष्ट होंगे और क्योंकि जांच सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर ही किया गया था, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट का अवमानना का मामला बनता है क्योंकि जांच उन्हें नहीं करने दिया गया था, वो लोकल पुलिस वहां पर जांच करने के लिए डिटेन कर लिए थे, तो सारी बातों को रखा गया और कल तफ्तीश से उस पूरे मामले की सुनवाई की जाएगी। और इसके अलावा कोर्ट की तरफ से कोई ऑब्जर्वेशन, क्योंकि तुषार मेहता की तरफ से कहा गया कि चार बार समन जारी किया गया था, कोर्ट की तरफ से कुछ कहा गया, कुछ ऑब्जर्वेशन कोर्ट की तरफ से कुछ मेंशन अगर किया गया हो? देखिए, ये पूरी डिटेल जानकारी थोड़ी देर में मिल जाएगी और क्योंकि तुषार मेहता ने साफ तौर पर कहा है कि क्योंकि राजीव कुमार को एक बार नहीं, दो बार नहीं बल्कि चार चार बार उन्हें समन भेजा गया, वो जांच में शामिल नहीं हुए, जांच में सहयोग नहीं किए, लिहाजा इसी बात को लेकर कल सीबीआई की टीम उनके दफ्तर पहुंची थी और उन्हें उनके दफ्तर पर रोका गया, तो सारी बातें कोर्ट के सामने रखी गई, लिहाजा कोर्ट ने पूरे मामले को कंसीडर किया है, सुना है और कल के लिए इस पूरे मामले को टाला और कल विस्तार से पूरे मामले को सुनवाई होगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी कि आगे क्या डायरेक्शन होगा सुप्रीम कोर्ट के तरफ से, क्योंकि पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में ही चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने ही इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर करने के लिए कहा था। तो बड़ी जानकारी राजू राज दे रहे हैं कि अब जो है कल सुनवाई होगी, आज सुनवाई होनी थी, सीबीआई की जो अर्जी है वो सुप्रीम कोर्ट में गई, तुषार मेहता की तरफ से कहा गया कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार चार बार समन किया गया राजीव कुमार को, कोलकाता पुलिस कमिश्नर को चार चार बार, और वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, राज्य के डीजीपी को भी बताया गया था। लेकिन हैरत देखिए, जांच एजेंसी जांच करने के लिए पहुंचती है ना सिर्फ, जल्कि जांच करने से रोका जाता है, एक अधिकारी से पूछताछ करने से रोका जाता है, बल्कि जांच अधिकारियों
को ही हिरासत में लेने की कोशिश की जाती है, डिटेन कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, ढाई घंटे तक रखा जाता है, 9 बजे जाके रात को छोड़ा जाता है, और तो और बल्कि मुख्यमंत्री खुद धरने पर बैठ जाती हैं ताकि पूछताछ ना हो सके एक अधिकारी से। ऐसा क्या डर, हैरान कर देने वाला ये प्रकरण बंगाल में हुआ। और इस वक्त भी तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, धरना अभी भी जारी है, एक अधिकारी, सिर्फ एक अधिकारी जो कि कोलकाता पुलिस कमिश्नर हैं, कहीं उनसे पूछताछ ना हो जाए, उनको पूछताछ से बचाने के लिए दीदी जो है वो धरने पर है। सीबीआई ने कहा है राजीव कुमार तुरंत सरेंडर करें, कहीं और सबूत ना नष्ट हो जाए, जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं वो। चार चार बार समन जारी किया गया, कल अर्जी पर सुनवाई करेगी अब कोर्ट सीबीआई की अर्जी पर। इसके अलावा ममता सरकार की तरफ से भी इस मामले में कोर्ट में जाना था, उस बारे में हालांकि अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। और 12:30 बजे के आसपास चुनाव आयोग जाएगा बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल, ये बहुत बड़ी खबर हो रही है। हम आपको बता रहे हैं बंगाल में जबरदस्त तरीके से ना सिर्फ सियासी ड्रामा चल रहा है बल्कि ये सियासी संकट एक तरीके से खड़ा होता नजर आ रहा है, और ये संवैधानिक संकट की शक्ल भी अख्तियार कर सकता है, क्योंकि एक जांच एजेंसी को ना सिर्फ जांच करने से रोका गया बल्कि उन जांच अधिकारियों को डिटेन कर लिया गया, उनको गिरफ्तार हिरासत में रखा गया, ढाई घंटे बाद छोड़ा गया, और वो जांच हो रही थी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। मई 2014 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, हालांकि सीबीआई को जांच करने से रोका गया। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बताया गया कि कल सुबह 10:30 बजे होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। देखिए एक खबर भी आ गई है, कल सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई होगी, और ये लड़ाई मोदी वर्सेस ममता, दरअसल दिल्ली की लड़ाई किस तरह से बंगाल में लड़ी जा रही है, ये लड़ाई दिल्ली की है, 2019 की है, लेकिन अपने आप को महागठबंधन के नेता के तौर पर स्थापित करने के लिए आज ममता बनर्जी जो है इतनी एक्सट्रीम तक गई है। ये सिर्फ एक अधिकारी को बचाने की लड़ाई नहीं है, ये दरअसल 2019 की लड़ाई, अपने आप को सबसे बड़ा नेता मोदी के सामने खड़ा करने की कोशिश, महागठबंधन के नेता के तौर पर स्थापित करने की कोशिश ममता बनर्जी की। और अब कल होगी इस पूरे मामले की सुनवाई।